एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज है करवा चौथ और आप सबको करवा चौथ की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जो ब्लॉग है वो 4 बजे से स्टार्ट हो गया था, क्योंकि मैं 4 बजे उठ गई थी तो उस समय से स्टार्ट हो गया था। फिर मैंने नाश्ता बनाया और हस्बैंड ड्यूटी गए, फिर मेरे को मेहंदी लगानी थी, वो सब मैंने कर लिया है और अभी घर का सारा काम मेरा हो गया है और बस लंच बन रहा है हस्बैंड के लिए और अवनी के लिए। और दाल मेरी बन गई है, बस चावल बनाना है अभी। और आज मैंने वेयर की थी साड़ी, और ये साड़ी जो है ये सिंपल सी साड़ी है रेड कलर की। और जो करवा चौथ के लिए जो साड़ी ली है मैंने, वो अभी टेलर के पास है, हस्बैंड अभी आते टाइम उसको लेके आ जाएंगे। तो फ्रेंड, जो करवा चौथ वाला दिन होता है ये बहुत बिजी दिन होता है हमारे लिए, क्योंकि इसमें बहुत सारे काम भी करने होते हैं हमें अभी। और जो प्रसाद बनेगा वो मैं टाइम से बना लूँगी आज, और जो कि शाम के लिए थोड़ा टाइम मिल जाए मुझे, नहीं तो फिर बहुत ज़्यादा थकान हो जाती है, एक साथ बहुत ज़्यादा काम पड़ जाता है शाम को। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं आज की। और अब मैं आ गई हूँ किचन में और अब मैं यहाँ पे बनाती हूँ लंच, उसके बाद मिलती हूँ आपसे। और अभी ना मेरी एक फ्रेंड आई थी, तो वो जहाँ पे मैं पहले क्वार्टर में रहती थी ना, तो वहाँ पे वो मेरे साथ में रहते थे वो फैमिली। तो हम जब पिछले बार जब हमने करवा चौथ रखा था तो हमने साथ साथ रखा था, तो उनका अभी एक छोटा सा बेटा है, मेरे ख्याल से 2 महीने का है वो, तो उसको छोड़ के भैया के साथ। तो वो शानू आई थी और शानू की मम्मी आई थी, जो सिंगार का सामान होता है वो देने आए थे मुझे, और वो अभी चले गए हैं घर। और फ्रेंड्स, हस्बैंड ड्यूटी से आ गए हैं और ये पूजा का जो भी सामान बचा था हमारा वो सारा लेके आए हैं। और ये हैं फ्लावर, मुझे ये वाले फ्लावर बहुत अच्छे लगते हैं, यहाँ पे मिलते हैं ये। और हस्बैंड पूजा के लिए फ्रूट्स लेके आए हैं, तो जो भी ये फ्रूट्स हैं इनको मैं वॉश कर लेती हूँ पहले। अब ये फ्रूट्स मैंने सारे वॉश कर लिए हैं, अब इनको थोड़ी देर साइड में रख लेती हूँ, जिसमें जो भी एक्सेस वाटर होगा वो सारा ड्रेन आउट हो जाएगा इनमें से। जितने भी फ्रूट्स और फ्लावर और मिठाइयाँ ये मैंने मंगाई थी पूजा के लिए हस्बैंड से, वो हस्बैंड ड्यूटी से आते समय ला गए हैं। थोड़ी देर में मुझे सूरज को जल चढ़ाना है, तो उससे पहले मैं थोड़ा जो काम है किचन का वो निपटा लेती हूँ, उसके बाद फिर मैं रेडी होंगी। फिर रेडी होंगी तो फिर मैं रात तक रेडी रहूँगी, और इसीलिए जो है मैं थोड़ा बहुत काम अभी कर लेती हूँ, उसके बाद फिर मैं फ्री हो जाऊंगी। तो ये देखिए मेरा मंदिर, ये देखिए यहाँ पे मैंने बनाया है मंदिर। और यहाँ पे मैंने चने बॉईल करने रख दिए किचन में, और मैंने यहाँ पे चूड़ियाँ भी पहन ली है, देखिए सिंपल प्लेन चूड़ी पहनी है मैंने, उसके साथ कंगन पहन लिए हैं। और अब मुझे पायल और बिच्छियाँ पहननी है, आपको दिखाती हूँ मैं। ये है मेरी बिच्छियाँ, 2 का सेट है ये, और ये है मेरी पायल, और ये दोनों चांदी के हैं। और अब मैं पायल पहनती हूँ और बिछिया पहनती हूँ, उसके बाद आपको दिखा दी। और नेल पेंट जो है मैंने पहले लगा लिया था, मैंने ये मरून कलर का लगाया, आप कैमरे में आपको रेड दिख रहा होगा बट ये मरून है। और पैरों में भी मैंने लगा लिया, अब मैं पायल बिछिया पहनती हूँ फिर आपको दिखाती हूँ। पायल और ये जो बिछियाँ हैं ये मैं जब घर गई थी ना, घर से लेके आई थी इनको, और ये अच्छे लग रहे हैं, सिंपल सिंपल से हैं, ज़्यादा हैवी भी यहाँ पे सही नहीं रहता डेली वेयर के लिए, तो सिंपल सिंपल से अच्छे हैं ये। मैं बना रही हूँ प्रसाद, तो मैंने घी गरम कर लिया है, उसके बाद उसमें आटा डाल दिया, आटे वाला प्रसाद मैं बना रही हूँ। तो फिर इसको मैं भूनूंगी, और भूनने के बाद इसको भूनने में थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगता है क्योंकि इसको गोल्डन ब्राउन करना है। तो जब ये गोल्डन ब्राउन हो जाएगा तो इसमें थोड़ी सी शुगर मिक्स करूँगी मैं, और ये मैं ड्राई फ्रूट्स काट रही हूँ और ड्राई फ्रूट मिक्स करूँगी इसमें, और उसके बाद मैं इसमें डाल दूँगी दूध, और उसको थोड़ा सा पकाने के बाद फिर मैं इसको बंद कर दूँगी।
अब ये प्रसाद जो है वो रेडी हो गया, तो मैं इसको निकाल किसी दूसरे बर्तन में निकाल के साइड में रख दूंगी, उसके बाद मैं इसको पूजा के टाइम पे यूज करूंगी। और अब मैं पूड़ी बनाने की तैयारी कर रही हूँ, तो इसके लिए मैंने इसमें मेथी डाली और थोड़ा सा नमक डाल दिया और इसका डो बना लिया है। और अब मैं यहाँ पे बना रही हूँ पूड़ियाँ। और अब जो ये पूड़ियाँ हैं वो बनके रेडी हो गई हैं, इसमें मुझे थोड़ी सी और पूरी बनानी है, उसके बाद आपसे मिलती हूँ। अब मेरा जो प्रसाद है और जो खाना है वो सब बन गया है और अब मैं रेडी होती हूँ। अभी ना मौसम थोड़ा बादल बादल वाला हो रहा है, वैसे कभी साफ भी हो जा रहा है मौसम, बट हल्का हल्का बादल है, तो फिर आपसे मिलती हूँ, देखते हैं कैसा होता है। और आई थिंक आज आ जाएगा क्योंकि बादल तो साफ है ना। अब मैं हो गई हूँ रेडी और ये साड़ी मैंने वेयर कर ली है, अब मेकअप भी मेरा हो गया है। और मेरे हस्बैंड ना एक चीज़ लेके आए मेरे लिए, मैं आपको दिखाती हूँ। करवा चौथ में हमेशा लेके आते हैं वैसे इसको, मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए ये लेके आए हैं वो, और इस बार ये काफ़ी बड़ा है, और काफ़ी बड़ा है ये, तो इसलिए मैंने जो ये बन है ये सिंपल सा बन बनाऊँगी मैं और उसमें इसको पूरा लपेट दूँगी, तो इससे अच्छा लुक आ जाएगा। और अब मैं अपने बाल बनाती हूँ, फिर आपसे मिलती हूँ। और चांद भी अब आने वाला होगा, और उसके ये देखिए ये, और मैंने जो ये बन है इसमें भी ये लगा लिया है देखिए। और मैंने हेयर स्टाइल ज़्यादा अच्छा नहीं बना पाई हूँ क्योंकि मुझे आता नहीं ज़्यादा हेयर स्टाइल बनाना, तो सिंपल सा हेयर स्टाइल है। और यहाँ पर मैंने क्लिप लगा लिए हैं दो, और देखिए ये वाले इयर रिंग मैंने वेयर कर लिए हैं और काफ़ी अच्छे लग रहे हैं ये, तो आप मुझे कॉमेंट में बताइएगा कि मैं कैसी लग रही हूँ। तो फ्रेंड्स अब मैं हो गई हूँ रेडी, अब मैं पूरी तरह से रेडी हूँ। मैंने ये पिछौड़ा भी डाल दिया है, बट अब ये निकल रहा है तो इसको थोड़ा निकाल देते हैं, जब चांद आएगा उस टाइम पे ही मैं इसको पहनूंगी, क्योंकि ये काफ़ी वेटेड है, इसमें ना बीट्स लगे हुए हैं चारों ओर ये वाले, तो इसके उससे इसका वेट काफ़ी है। तो इसको अभी कर लेते हैं ऊपर, और हस्बैंड गए हैं अभी छत में, वो देखने गए हैं कि चांद आया या नहीं, चांद आएगा तो फिर वो नीचे आके मुझे बताएंगे, उसके बाद यहीं पर बालकनी में हम करेंगे पूजा। और ये रहा मेरा पूरा लुक। और अभी हम बैठे हैं मंदिर में यहाँ पे अंदर पूजा करने के लिए, पहले अंदर पूजा करते हैं और तब तक चांद भी आ जाएगा, तो फिर हम चांद की पूजा करने के लिए छत में चले जाएंगे। यहाँ ना 10 बज गए हैं और अभी तक चांद नहीं आया, यहाँ पता नहीं किस टाइम आएगा, अभी वेट कर रहे हैं। अभी हस्बैंड छत में गए हैं देखने कि किस समय चांद आया या नहीं, देखने वो देख के हैं, क्योंकि यहाँ पे बिल्डिंग बहुत ज़्यादा है ना, बड़ी बड़ी सी, तो वो दिखता भी नहीं है, और इसीलिए वो छत में गए हैं देखने के लिए। और जब चाँद आ जाएगा तो मैं यहाँ पर बालकनी में हम पूजा कर लेंगे, तो चाँद आए तो सही, वेट हो रहा है चाँद का बहुत ज़्यादा। और अब हम पूजा करके आ गए हैं, नीचे आ गए हैं बालकनी से, जो है वो चंद्रमा दिख नहीं रहा था मुझे, तो इसलिए मैं छत में जाना पड़ा, छत से भी जाके देखा, क्योंकि बादल था ना
तो थोड़ी देर दिख रहा था, फिर छुप जा रहा था, फिर दिख रहा था, फिर छुप जा रहा था। तो पूजा में थोड़ा टाइम भी ज़्यादा लगा, क्योंकि जब चंद्रमा दिख रहा था तभी मैं पूजा कर रही थी। और अब हम आ गए हैं पूजा के घर, और अभी हम आ गए हैं नीचे, और हम जा रहे हैं अभी अपनी फ्रेंड के घर। जो मेरे हस्बैंड है ना, इनके जो फ्रेंड हैं उनकी वाइफ मेरी फ्रेंड है, उनकी जो बेटी है वो अवनी की फ्रेंड है, वो सेम एज के, और उनका एक छोटा सा बेटा है 2 महीने का। तो हम अभी उनसे ही मिलने जा रहे हैं, और अब हम उनसे मिल के आते हैं, फिर आपसे मिलते हैं। ये उस जगह रहते हैं ना जहाँ पर मैं पहले, इससे जहाँ पर अभी रहती हूँ मैं, इससे पहले जिस घर में मैं रहती थी वहाँ पर वो हमारे नेबर थे, तो हम उन्हीं से मिलने जा रहे हैं अभी। और अब हम घर आ गए और अब हम खाते हैं खाना, उसके बाद आपसे मिलते हैं। ना जो ड्रेस अप है वो काफी भारी हो रहा है, इसको मैं चेंज करती हूँ और थोड़ा हल्का फुल्का पहनते हैं। और मुझे ना करवा चौथ में एक गिफ्ट मिला जो मुझे बहुत ज्यादा पसंद आया, ये देखिए, ये ना सिल्वर कोटेड है और ये ट्रे है, और ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया। और ये मुझे पता है जो मेरी ओनर दीदी है ना, उन्होंने दिया जब मैं उनको शगुन का जो सामान होता है वो देने गई थी ना, तो उनको पता लगा कि आज करवा चौथ, उन्होंने ही मुझे ये गिफ्ट दिया है। तो मैं इसको सामने से दिखाती हूँ आपको। ये किसी मटेरियल का है, बट ये ऊपर से सिल्वर कोटेड है, तो इसके उससे ये काफ़ी अच्छा लग रहा है। मतलब इसकी जो शाइन है ना वो बहुत अच्छी लग रही है, मुझे ये बहुत अच्छा लगा। तो ये करवा चौथ का गिफ्ट है जो उन्होंने मुझे दिया है। हमने खाना खा लिया है और अब हम सोते हैं, और कल हस्बैंड की जनरल शिफ्ट है तो वो 8:15 बजे जाएंगे और 6 बजे लगवाएंगे, तो इसलिए हम अब आराम करते हैं। और अपनी भी अभी तक उठी हुई है, इसको भी सुलाना है अब, और मैंने भी कपड़े चेंज कर लिए, उसके बाद मैं सोती हूँ। तो फ्रेंड्स, ये था मेरा आज का व्लॉग, आई होप कि आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।